हेलो फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नया वीडियो लेके आपके पास हाजिर हूँ, जो कि सैमसंग टीवी है 20 इंच की। फ्रेंड्स, तो इस 20 इंच की प्रॉब्लम है कि जब कभी कभार चलता रहता है, 10-15 मिनट चलता है, चलने के बाद आपका स्क्रीन चला जाता है, जो ऑडियो है उसका वो परफेक्टली आता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉपिक उस सैमसंग टीवी का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज उसी का वीडियो आप लोगों को कंप्लीट दिखाने वाला हूँ, क्या चीज़ ख़राब है उस पर, कौन सा पार्ट्स चेंज करना पड़ेगा उस पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा कंपोनेंट डैमेज हो चुका था, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उस पर क्या था, आपका जो प्रोसेसर मेन आईसी है, बड़ा वाला आईसी, ठीक है, तो उसको किसी ने खोला हुआ था। ठीक है, और कंप्लीट आपका सोल्डरिंग एक साइड से खोल के रखा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने सोल्डरिंग करके किस तरह से सही किया हुआ, और जो प्रॉब्लम मैंने बताया ऑफ ऑन हो जाता है। ठीक है, तो उसी को प्रॉब्लम में क्या खराब था उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, कंप्लीट रिपेयर करना दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आइकन बटन का दबा के प्लीज़। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो उन लोग जरूर से सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल को। और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं चाहिए दोस्तों, सब्सक्राइब बिल्कुल भी मुफ्त होता है। और उसका साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूले, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए लेट्स गो, आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज एक मेरे पास सैमसंग टीवी है जो आपका 20 इंच का है, ये देख सकते हैं। तो इसमें ऑलरेडी फिलहाल सेट पूरा डेड है, जो वीडियो में मैं आप लोगों का अभी दिखाने वाला हूँ ये ऑलरेडी डेड है। तो इसको मैं आप लोग पास साथ कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं ऑलरेडी इसको खोल के रखा हुआ है, और आईसी भी देख सकते हैं इसका सोल्डरिंग जितने भी हैं उठाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ एसटी के आसपास भी ये सब छेड़छाड़ इसने कर रखी है, लेकिन यहाँ पर भी बेसपोर्ट में यहाँ पर फिलहाल इसको ड्राई किया है। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम दिख रहा है ये देख सकते हैं आईसी में ऑलरेडी उठाया हुआ है। तो अभी मैं इसमें पावर जब देता हूँ तो इसमें पावर नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको पावर लाइट दे के देखता हूँ, तो इसमें पावर केबल मैं देने जा रहा हूँ, तो इसमें पावर दे दिया लेकिन इसमें कोई शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं पावर स्विच भी दे देता हूँ, पावर स्विच दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई पावर लाइट नहीं जल रही है। ठीक है, तो इसमें मैं चेक करने जा रहा हूँ, अभी मीटर को डीसी में सेट कर चुका हूँ मैं। ठीक है, एक यहाँ पर डिकोजिंग कोयल भी दे दिया जो कि ग्राउंड है। अभी हम इसको चेक करेंगे 110 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख सकते हैं 130 वोल्ट आ रहा है। फ्रेंड्स देख सकते हैं 130 वोल्ट ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब पावर सप्लाई सही है। और यहाँ पर देख सकते हैं और एक सप्लाई दे रहा है, ये भी 10 वोल्ट सप्लाई दे रहा है यहाँ का, देख सकते हैं। और एक सप्लाई हम लोग देख लेता हूँ यहाँ का कहाँ गया, फिलहाल एक तो ये होगी स्टैंड बाई सप्लाई, एक ऑडियो सप्लाई, तो इसको फिलहाल छोड़ देता हूँ, बाद में देख लेंगे। लेकिन स्टैंड बाई सप्लाई तो सही निकल रहा है, और ये आईसी भी लगभग सही है मेरे ख्याल से, ये आईसी जो ड्राई किया हुआ है, जो उठा हुआ है, इसीलिए शायद ये एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। तो हम लोग पहले इस आईसी को मतलब सोल्डरिंग कर देते हैं पहले। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में देखेंगे इधर का लाइटिंग जो है वो शो करता है कि नहीं करता है। के बाद में ये भी आईसी जो है ये ड्राई होने पर कभी कभार क्या होता है, स्टैंड बाई मोड में आ जाता है सप्लाई। ठीक है, तो अभी तो स्टैंड बाई मोड को छोड़िए, अभी तो ये पावर लाइटिंग नहीं आ रहा है, तो हम इसको पहले सोल्डरिंग कर देता हूँ सबको, उसके बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो मैंने इसको सोल्डरिंग कर दिया, देख सकते हैं आपको दिखाऊं,
साफ भी कर चुका हूँ मैं, थोड़ा सा और भी इसको साफ कर दूंगा, क्लीन कर दूंगा। ठीक है, तो इसको सोल्डरिंग कर दी ऑलरेडी। यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा ड्राई सोल्डरिंग कर दी है, यहाँ पर भी ये कनेक्टर लगा था उस पर थोड़ा सा ड्राई सोल्डरिंग कर दी, और ये वो डिवाइस है इसको मैं ड्राई सोल्डरिंग कर दी। अभी इसको हम पावर देंगे, जो पहले पावर नहीं आ रहा था, अभी देखते हैं। देख सकते हैं एलईडी आ चुका है ऑलरेडी, ये ऑन भी हो चुका है सेट, देख सकते हैं। तो ये आईसी किसी ने खोला हुआ था, मतलब किस लिए खोला था पता नहीं, लेकिन इसका जो मेन प्रॉब्लम था, कस्टमर बोल रहा था कभी कभी चलते चलते स्क्रीन चला जाता है, ऑडियो आता रहता है। ठीक है बस, तो वही प्रॉब्लम इसमें था, लेकिन इन्होंने आईसी खोल दिया। लेकिन मेरे ख्याल से आईसी का प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, कि छोटा सा एक ही प्रॉब्लम होना चाहिए इसमें, जो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, तो इसका जो प्रॉब्लम स्टैंड बाय मतलब ऑडियो आता रहता है और स्क्रीन चला जाता है, लेकिन अब ये सेट ऑन हो चुका है। मैं आपको दिखाऊं, इसमें स्क्रीन में कुछ तो आया होगा, ये देख सकते हैं रेड कलर करके कुछ आया हुआ है, जो एसटी एडजस्ट करने से ये सही हो जाएगा, जो आपका एसटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये सैमसंग टीवी है, इसीलिए एसटी एडजस्ट करेंगे तो ये सही हो जाएगा, और आपका जो बारिश के बूंद है वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बस, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, मेन प्रॉब्लम था कस्टमर का जो ऑफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम यहाँ पर आसानी से हम लोगों को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, तो हम इन मुद्दे पे आ जाते हैं डायरेक्टली, जो कि ये सेट ऑफ क्यों होता है। ठीक है, जो ऑडियो आता रहता है और स्क्रीन ऑफ हो जाता है, एक तो आपका ESD से आता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, और दूसरा लाइन है हमारा ये PF। ठीक है, ये जो PF है इसमें हमारा बहुत ही खतरनाक गड़बड़ी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये PF ये डैमेज हो चुका है, देख भी रहा है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। अब इसको आपको खोल के भी दिखाता हूँ, कोई एक साइड में या क्रैश भी हो सकता है, जो कि आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं, जो थोड़ा सा फटी हुई दिख रहा है, देख सकते फटा हुआ है। ठीक है, ये देख सकते आपको दिख रहा है जो फटा हुआ है, तो इसी में ही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इस पीएफ को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो दूसरा पीएफ लगाऊंगा, पर मैं पुराना वाला ही पीएफ लगाऊंगा, दूसरा किट से निकाल के लगाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। हेलो दोस्तों, तो ये देख सकते हैं वो पीएफ, क्योंकि मैं इसी टॉपिक का और भी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो ये और एक वीडियो है जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, देख सकते हैं पूरा फाटा हुआ है, तो इसकी जगह मैं दूसरा पीएफ लगाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरे पास एक दूसरा सेट है एलजी का, जो ये पर पीएफ है एक 681 के 2 KB का। ठीक है, ये देख सकते हैं एलजी का बोर्ड है, तो इसमें से मैं निकल रहा हूँ ये पीएफ। पीएफ का आपको देख लेना है, किसी तो फटा हुआ नहीं है, तो अभी अभी इस पीएफ को ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये को दिखाऊँ तो मैं इसको ले लूँगा, तो ये पीएफ मैंने इसको खोल लिया हूँ, तो इसमें मैं यहाँ पर बिठाऊंगा, जो कि इसके पोजीशन में। ठीक है, इसको यहाँ पर बिठा देता हूँ। तो इसका पोजीशन में मैं इसको बिठा देता हूँ, अब इसको सोल्डरिंग भी कर देता हूँ, क्योंकि ये पीएफ ख़राब होने पर आपका ब्लैक स्क्रीन आ जाता है बीच बीच में, और ऑडियो आता रहता है। ठीक है, तो मैं इसको सोल्डर करता हूँ।
इसके आगे कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर जो जीनर डायोड भी एक होता है, यहाँ पर एक जीनर डायोड होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जीनर डायोड भी कभी कभार शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग साथ में चेक कर ले। हेलो फ्रेंड्स, तो इसको मैं सोल्डरिंग कर चुका हूँ, अभी इसको कंप्लीट में फिट कर दिया, अभी मैं इसको वहाँ पर पोजीशन में बिठा था और एसटी को एडजस्ट करता हूँ, तो ये पहला का जैसा सही हो जाएगा, मैं इसको दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसका एसटी जब आप एडजस्ट करेंगे तो इसमें कुछ फॉलो स्टेप करने से आसानी से एसटी मतलब आ जाता है पोजीशन में, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊं। जब इसको मैं पावर देता हूँ, तो मैं पावर दे दिया इसको, अब ये टीवी ऑन हो चुका है, ठीक है, मैं इसे सामने भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हो कुछ स्क्रीन आ रहा है और रेड कलर का रिप्लेस आ रहा है फ्रेंड्स, तो ये एसटी के एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं व्हाइट कलर ज़्यादा आ चुका है, लेकिन इसको एडजस्ट करते समय एक ही बात ध्यान में रख के करना पड़ता है, जब आपका आसानी से हो जाएगा ये पर आपका जो चैनल प्लस है इसको दबाते रहना है, या चैनल प्लस या माइनस ये दोनों से एक को दबाते रहना है और पीछे का एसटी एडजस्ट करते रहना है, तब बहुत ही आसानी से जल्दी होता है, ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये ब्लू स्क्रीन आ चुका है ऑलरेडी, मैंने इसका एडजस्ट कर दिया, ये मेन फंक्शन काम करने लग गया, ठीक है फ्रेंड्स, तो वही फॉलो स्टेप कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से ये बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको चैनल प्लस से ज़ीरो करना पड़ता है, ये भी आने पर ये आपका 3, 2, 4 आ गया, 3, 2 इसमें ज़ीरो करना पड़ता है चैनल प्रोग्राम को, तभी आपका ये भी होगा। इसको कम कर देता हूँ, 1 ये ऑटो आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी मैं एबल लगा दूंगा तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं कितना आसान था। अब इसी पकड़ का अगर टीवी आपके पास आए तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप का फॉलो कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से एसटी का भी एडजस्ट कर पाएंगे और साथ में आपका जो है ये ऑफ ऑन प्रॉब्लम आता है, ब्लैक स्क्रीन आ जाता है, तो इसके लिए पीएफ को ज़रूर चेक करें, ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का दबाना ना भूले।